सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में रोड शो किया, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। रोड शो में केलाबाड़ी वार्ड में भव्य स्वागत किया गया, जहां के पार्षद प्रत्याशी हमित खोकर ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से जानकारी दी। देखिए, बहुत अच्छी बात है और बड़ा खुशी के माहौल है। आज पूरे दुर्ग शहर में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हम सभी कांग्रेसी भाइयों को, हम सभी कांग्रेसी पार्षदों को जिताने के लिए अपना कीमती समय निकालकर पूरे दुर्ग शहर में रोड शो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी की पूरी 60 सीट हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की झोली में हम लोग जीत के डालेंगे, हमारा ऐसा कहना है। जैसा कि आपको पता है कि इन 11 महीनों में आदरणीय भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आई है, 23 वादों में 18 वादा पूरे कर चुके हैं। हमको और आपको पता है कि आने वाले समय में जो कहा वो किया, चाहे वो बीपीएल राशन कार्ड हो, गरीबों का कर्जा माफ़ हो, 2500 समर्थन मूल्य हो, आपका राशन कार्ड बनाना हो, एपीएल का, बीपीएल राशन कार्ड हो, सारी योजनाओं का वो क्रियान्वयन करते जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आने वाले ये चुनाव में, नगर निगम दुर्ग के चुनाव में पूरी के पूरी 60 सीट से कांग्रेस जीत के आएगी और नगर निगम में महापौर कांग्रेस का बनेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।